हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे लेनॉइट स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो मेरे हिसाब से इसका जो एक बहुत ही अच्छा पेनी स्टॉक है जो आगे जाके मल्टीप्लायर बन सकता है। क्यों बन सकता है, इसका डिटेल्स क्या है, पूरा डिटेल्स में आएंगे। तो पहले इसका फंडामेंटली दो तीन चीज आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा। देखिए, ये शेयर का जो 52 वीक्स लो है वो आपका है 65 पैसा, और अभी ये शेयर आपका क्लोज हुआ है फ्राइडे में 7.95 पे। ओके, और ये लगभग डेप्ट फ्री शेयर है, ठीक है। इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो आपका है 0.01। किसी भी कंपनी का अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे आपका 1 से बहुत ही कम है इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो। और एक चीज, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, अभी देखिए मैं स्क्रीन पे आपका ले जा रहा हूं, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है आपका 53.41%। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा है। लेकिन थोड़ा बहुत एक नेगेटिव बात है कि ये जो 53.41% है इसमें आपका ओनली 2.05% शेयर प्लेज है। लेकिन इसका एक अच्छा बात भी है, देखिए 2021 मार्च में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 46.12%, प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो देखिए, किसी भी कंपनी को उसका प्रोमोटर्स जितना ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है हम आप नहीं जान सकते। तो उन लोगों को लगता है कि ये शेयर आगे जाके प्रॉफिट कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, इसीलिए तो उन लोगों ने अपना प्रोमोटर होल्डिंग बढ़वाया है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे, क्योंकि एज अ पेनी स्टॉक इसका जो मेन दो चीज में एज अ पेनी स्टॉक में देखता हूं वो है आपके प्रोमोटर्स का होल्डिंग और दूसरा डेप्थ कितना रहता है। तो ये दोनों चीज में ये शेयर बहुत अच्छा है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे आपका चार्ट पे। तो देखिए, मैं पहले क्या करूंगा, बिना इंडिकेटर लगाओ चार्ट खोल लूंगा। तो देखिए, ये शेयर सितंबर में था, 30 सितंबर को चल रहा था लगभग 3 रुपया 2.90 रुपया। और अभी देखिए ज्यादा से ज्यादा 30-40 दिन होगा इसके अंदर, ये शेयर अभी क्लोज किया आपका 7.95 पे, कितना गुना बढ़ चुका है देखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इंडिकेटर लगाओ चार्ट में। तो देखिए, यहाँ पे सुपर 10 ने बाय सिग्नल दिया था, कब यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, जस्ट आपका 8 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद से ऐसे लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उससे पहले 2-1 दिन थोड़ा बहुत गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था इस शेयर में। क्योंकि देखिए, कोई भी शेयर एकदम से बढ़ता नहीं, थोड़ा गिरता है ज्यादा बढ़ता है, इसको हम लोग अपट्रेंड कहते हैं। तो देखिए, लास्ट जो कैंडल फॉर्म हुआ है 1 डे के, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो अभी देखिए, मैंने स्क्रीन पे वीकली चार्ट ओपन कर लिया है, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 7 वीक से ए शेयर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है और ऊपर की तरफ भी भाग रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। उससे पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, जिस जगह पे यहाँ पे, मतलब ये था आपका 4 अक्टूबर, यहाँ पे सुपर 10 ने वीकली चार्ट पे बाय सिग्नल दिया था। अगर उस टाइम पे आप लोग नीचे देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपका जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ये 200 डेज का भी मूविंग एवरेज की, इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना चालू किया। और मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो शेयर आपका ऊपर की तरफ जाता है। और आज के डेट में ये शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, आपका 100 डेज 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। RSI भी अबव 60 है, और MACD अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे 0.5 से ऊपर तो होगा। लगातार हम लोगों को अपट्रेंड भी MACD के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे एक बार मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में क्या शो कर रहा है, अगर मंथली चार्ट आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूं, एक मिनट, ठीक है, ये पोजिशन ठीक है। देखिए, इस जगह पे ये आपका तब 2020 मई का महीना, यहाँ पे सुपर 10 ने बाय सिग्नल दिया था, तब से शेयर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा था। लेकिन सुपर 10 का जो आप
का सपोर्ट लाइन था उसको तोड़ नहीं पाया और लगातार दो महीने से हम लोगों को इस शेयर में बहुत अच्छा पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और अभी देखिए RSI भी अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है, तो इसका जो टारगेट कितना हो सकता है ये मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो लगता है ये शेयर वैसे 50 रुपए भी जा सकता है, 100 रुपए भी जा सकता है, ठीक है। ये एक मल्टीप्लायर स्टॉक है, ये आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा ये पर्सनली मानना है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। और मुझे जो लगता है एक मल्टीप्लायर स्टॉक है, और अगर आप लोगों का नजरिया 5-7 साल का है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर बहुत ही एक अच्छा शेयर है, और आपको 5-7 साल में ये शेयर मेरे हिसाब से बहुत 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 अच्छा आपको इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। धन्यवाद।